ओ हेलो, अब काली मेहंदी की तरह रेडीमेड ही ना पैक भी आने लगा। अब ये क्या बला है यार, मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया। रवीना, मैंने भी। डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम मामा अर्थ हीना पैक ट्राई करूंगी, प्लस अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। मतलब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको मामा अर्थ हीना पैक खरीदना चाहिए या फिर नहीं। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मतलब मामा अर्थ ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, ये सब मैंने अपने पैसों से खरीदा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे इसे लगाते हैं। ये ऐसे सील्ड पैक में आता है, इसे बस ऐसे खोलो। सील्ड है, इसको इस तरह खोलेंगे। स्मेल इसकी, इसकी स्मेल ना बहुत स्ट्रांग है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो जो मेहंदी की कीप नहीं आती है, बिल्कुल वैसा ही। और देखो जरा, हवा निकलने के बाद ये इतनी पतली सी हो गई। बस इतना सा पैक। सच में टट्टी लग रही है। हम मौसम में गड़बड़ी आ गई इसकी। ऐसा लग रहा है जैसे रात में कुत्ते ने साग खाया हो और सुबह हक दिया हो। ये स्मेल आ गया। इतना गाढ़ा पेस्ट लगेगा कैसे? तो यार ये लगना तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल सा, इतना गाढ़ा। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। ये है सिंपल प्लेन वाटर और इसके अंदर मिक्स करेंगे। ज्यादा सही हो गया। A few moments later. अब पानी मिलाने के बाद ना इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हुई है कि इसे इजिली लगाया जा सके। लुक एट दिस, इतना स्मूथ पेस्ट है ये कि कोई लम्स नहीं है, कहीं कोई ग्रेनुअल्स नहीं है। जस्ट लुक एट दिस, एकदम मक्खन की तरह ये। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसे लगा लेते हैं। अगर आप खुद लगा सकते हो तब तो ठीक है यार, लगा लो। बट अगर नहीं लगा सकते हो ना, तो आप मेरी तरह किसी की हेल्प ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मेरी मम्मी लगा रही है। तो जब तक ये लग रहा है, मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ कि क्या कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई है क्या। इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसे 1 से 2 घंटे तक रखना है लगाने के बाद, और इसके बाद सिंपल जैसे आप हीना लगाकर प्लेन वाटर से धुलते हो, इसे भी बस प्लेन वाटर से धुलना है। शैम्पू नहीं करना है, बस प्लेन वाटर से इसे धुल लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसे खोल देते हो ना, तो आपको इसे फ्रिज में रखना होगा 30 दिनों के लिए। आपको 30 दिनों के अंदर अंदर इसे यूज करना होगा, इसके बाद ये खराब हो जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जो कि मेनली इनके साइंटिफिक नेम भी है, इंग्लिश नेम भी है। वही इंडिगो, लीफ ऑयल, आपका हिना, कॉफी, यही सारी चीजें इसके अंदर डली हुई है। आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लगा या फिर वो जो लगाती हो? वो वाली जो घोल वो बना के लगाते हैं वो बहुत अच्छा लगा था। क्यों, इसमें क्या बनाइए? एक कम पड़ जाता है। अच्छा। और उसमें खूब ज़्यादा ज़्यादा लगा दूँ। अच्छा हाँ, और भी कुछ लगा कि ऐसे? बाकी पेस्ट्रीज तो ठीक ही है ना? सब अच्छा है। ये लग तो गया है, बट इसकी क्वांटिटी ना सच में बहुत कम थी। ऐसा मेरी मम्मी को भी लग रहा था कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। मतलब मेरी हेयर लेंथ के लिए ना तब भी बहुत कम था, क्वांटिटी सच में बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए वो अच्छे से नहीं लग पाया। बाकी अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरी मम्मी के हाथ देखो कितना ज़्यादा चढ़ गया ना, बस लगाने लगाने में। अब बस ये हल्का सा सूख जाए तब मैं लगा दूंगी पॉलिथीन। यार 15 मिनट हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ना सूख गया है। इससे पहले कि ये ज़्यादा ड्राई हो जाए और धुलने में प्रॉब्लम हो, हमेशा की तरह मैं एक ऐसे पॉलिथीन लगा लूंगी। अगर आपके पास सावर कैप है तो वो लगा लीजिए, अगर नहीं है तो मेरी तरह पॉलिथीन लगा सकते हैं। अब लाइक यूजुअल मेहंदी मैं 2 से 3 घंटा वेट करूंगी, और वेट करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तब इसे वॉश कर लूंगी सिंपल पानी से, शैम्पू नहीं करूंगी। क्योंकि यार हम जब मेहंदी लगाते हैं ना, चाहे कोई सी भी मेहंदी हो, तब कभी भी उसी दिन शैम्पू नहीं करते हैं। तो मैं बस सिंपल पानी से इसे रिमूव कर लूंगी और फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करते हैं। 3 hours later. अभी जो मैंने इसे वॉश किया है ना, प्लेन वाटर से किया है, कोई शैम्पू कोई कंडीशनर नहीं, सिंपल प्लेन वाटर से इसे धुलकर आ गई। और सच बताऊं तो इसे छुटाना भी बहुत आसान था, मतलब इजिली छूट गया। मे बी पॉलिथीन लगा लिया था इसलिए ये ड्राई नहीं बता, तो इजिली छूट भी गया। और अभी भी ना मेरे बालों से एक भीनी भीनी सी मेहंदी की खुशबू आ रही है।
तो चलो अब मैं मिलती हूँ जब ये सूख जाएंगे। जब मैंने हीना हेयर पैक खरीदा था ना, तभी मैंने वहां पे डिस्क्रिप्शन में देखा था कि बेस्ट रिजल्ट के लिए आप हीना हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। तो क्या मैंने भी ऑर्डर कर लिया? यार ऑब्वियसली बेस्ट रिजल्ट ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया था। बहुत कॉस्टली है यार ये, 419 रुपये का है। मैंने ये इसलिए खरीदा ना कि मन में कसक न रह जाए कि यार अगर हीना हेयर ऑयल लगाते तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता या ऐसा कुछ भी। तो मैंने कहा खरीद लेते हैं, अगर अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। अब यार इतने पैसे लगा ही दिए थे, मंगवा लिया तो मैंने इसके बॉक्स में अच्छे से पढ़ लिया था कि इसे कब कब यूज़ करना है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हीना के बाद एक तो यूज़ करना है, जैसे अभी मैं हीना के बाद लगाऊंगी, प्लस इसे आप कंटिन्यू लगा सकते हो अगर आपके बाल वाइट है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं मतलब ग्रे हैं तो आप इसे लगा सकते हो। तो चलो अब जल्दी से इसे लगा लेते हैं। The next day. यार मेहंदी भी लगा ली और तेल भी, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं रिजल्ट। लेफ्ट साइड में आपको बिफोर की वीडियो दिख रही है और राइट साइड में आफ्टर एप्लीकेशन। पहले यार आपको दिख ही रहा है मेरे बाल आगे से कितने ज्यादा सफेद हैं और पीछे से भी, मतलब ग्रे हेयर आपको दिख ही रहे हैं। और राइट साइड में मेरे बाल थोड़े ऑरेंजिस और ब्राउनिश टोन में आ गए हैं, मतलब मेरे जो सफेद बाल थे ना वो अब ऑरेंजिस हो गए हैं। आई नो आपको और भी अच्छे से रिजल्ट दिख रहे हैं ना, ये देखो मेरे पूरे बाल कैसे लग रहे हैं, इनमें कैसा कलर आया है, सब कुछ अच्छे से देख लो। आपको यहाँ मेरे बाल सिल्की और स्ट्रेट लग सकते हैं, बट यार ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये मामाअर्थ की वजह से हुआ है। यहाँ पे मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी यार इतना तो पता चल गया कि मेहंदी चाहे कोई सी भी हो, बाल ना थोड़े बहुत ड्राई हो ही जाते हैं। अब चलो जल्दी से एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं मामाअर्थ और हीना पाउडर के बीच में, पता तो चले कितना डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले ना प्राइस की बात कर लेते हैं। मामाअर्थ ना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि ये 250 रुपए का 200 ग्राम आता है, जबकि कोई और हीना पाउडर 80 से 100 रुपए में 200 ग्राम मिल जाता है। बट अगर टाइम देखे तो मामाअर्थ बेस्ट है क्योंकि इसमें बनाना नहीं पड़ता आपको, कोई रात में इसको आपको सोक करने की जरूरत नहीं है, बस लाओ और लगा लो। अगर कलर की बात करें ना तो मामाअर्थ का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर है क्योंकि इसके अंदर है कॉफी। इससे मेरी हेयर लेंथ पे तो बहुत प्यारा कलर आया है क्योंकि मेरे बाल काले हैं तो वो बहुत प्यारे से लग रहे हैं, मतलब थोड़े ब्राउन से रेड से एक अलग ही टोन आ रहा है। जबकि जो मेरे व्हाइट बाल है ना यार उस पे अच्छा कलर नहीं आ पाया, वो अभी भी थोड़े लाइट ब्राउन से लग रहे हैं। यार इससे तो यही पता चलता है कि जो लोग हीना अपने बालों में कलर के लिए लगाते ना कि एक अच्छा सा कलर आ जाए, तो उनके लिए तो बेस्ट है मामाअर्थ। लेकिन जो लोग सफेद बाल छिपाने के लिए लगाते ना वहां पे ना वो मजा नहीं आएगा जो एक हीना पाउडर देता है। अब बात करें स्टोरेज की तो दोनों का स्टोरेज ठीक ठाक होता है, बट अगर आपने गलती से भी मामाअर्थ को खोल दिया ना तो आपको वो 30 दिन के अंदर ही लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात इसको फ्रिज में रखना होगा, जबकि हीना पाउडर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और यार मेहंदी चाहे कोई सी भी हो उसको लगाने के बाद ना ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट यार अगर आपको मामाअर्थ का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए ना एक मामाअर्थ का हीना ऑयल खरीदना पड़ेगा जो अगेन 419 रुपए का आता है, जबकि जो हम दूसरी मेहंदी लगाते हैं उसके बाद तो यार सरसों का तेल लगा लेते हैं। ये तो हो गया दोनों के बीच में कंपैरिजन। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो यार मैं तो प्रेफर करूंगी हीना पाउडर लगाना क्योंकि वो सस्ता होता है, प्लस उससे सफेद बाल भी ना छिप जाते हैं। लेकिन अगर कभी मैं जल्दी में हुई और मुझे हीना लगाना हो तो मैं मामाअर्थ भी लगा सकती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप कम पैसों में हीना से मस्त सा कलर चाहते हो ना तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाके देख लो।